इंशाल्लाह कल 7 तारीख है, उर्दू की 7 तारीख। यूट्यूब चैनल का नाम भी बता दो। खादिम मोहम्मद चिश्ती। और ये होटल अमामाइन। कोशिश यही रहेगा कि मैं आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोग को ज़्यारत कर ला मुहिबा गेस्ट हाउस। रात के अभी बज चुके हैं 10। ये सबके लिए मैं दुआएं खैर करूँगा इंशाल्लाह। ये हमारे खादिम भाई है, छोटे खादिम भाई हमारे। अरे एक हाल में मेरे हाजत रवा गरीब नवाज। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ला फताह इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं हूं आपका दोस्त और भाई अजमेर दरगाह शरीफ खादिम मोहम्मद चिश्ती। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सबको हुजूर गरीब नवाज का आज छठी शरीफ था, तो उसके मौके पे आप सबको छठी शरीफ बहुत बहुत मुबारक। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के इस ब्लॉग के अंदर मैं आप लोग को अजमेर दरगाह शरीफ लेके जाऊँगा और कैसा माहौल है, कैसा मंजर है अजमेर दरगाह शरीफ का और आस पास के इलाके का, इंशाल्लाह मैं आप लोग को उस ब्लॉग में बताऊँगा। आज जो है छठी शरीफ थी सुबह में और आज 7 तारीख की शब लग गई है। इंशाल्लाह 9 का कुल में अभी सिर्फ 2 दिन बचे, कल जुम्मे का दिन है। इंशाल्लाह मैं आप लोग को बराबर इंशाल्लाह मैं ब्लॉग्स के जरिए आप लोग को मैं ज़्यारतें करवाता रहूँगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो आइए मैं आप लोग को लेके चलता हूँ। तो आइए मैं आप लोग को लेके चलता हूँ। अभी शाम के जो है रात के 9:30 बज चुके हैं और ये आज ही के दिन मैंने ये एक सुबह ब्लॉग बनाया था छठी शरीफ का और इंशाल्लाह ये दूसरा ब्लॉग इंशाल्लाह आज के दिन आप लोगों तक सब तक पहुँच जाएगा इंशाल्लाह। छठी शरीफ की शाम का है ये और इंशाल्लाह कल 7 तारीख है, उर्दू की 7 तारीख। 19 जनवरी रहेगी कल इंशाल्लाह और कल जुम्मे की जो नमाज़ है इंशाल्लाह अदा होगी। और आप लोग को तो वैसे पता ही है अजमेर दरगाह शरीफ में जो उर्स के वक्त में जो जुम्मे की नमाज़ होती है वो एक डेढ़ दो ढाई किलोमीटर तक जा चुकी है। ये जो दिल्ली गेट है ये यहाँ भी जहाँ से मैं अभी आप लोग को लेके जा रहा हूँ। वालेकुम सलाम भाई, सबसे सलाम दुआ करते रहने का। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आप लोग को ये बता रहा था कि जो जमात है वो ये दिल्ली गेट से लेके स्टेशन रोड तक पहुंचती है। तो इंशाल्लाह वो मैं आप लोग को ब्लॉग के जरिए इंशाल्लाह कल जुम्मे की नमाज में भी लेके चलूंगा इंशाल्लाह। क्या भाई, यूट्यूब चैनल का नाम भी बता दो। खादिम मोहम्मद चिश्ती। हुजूर गरीब नवाज का करम है सबके ऊपर। यहाँ पे जितने भी आप लोग ये भी देख सकते हैं, दुकान वाले होटल वाले जितने भी यहाँ पे लोग हैं सब हुजूर गरीब नवाज ख्वाजा खाजगान के सदके यहाँ पे सब चल रहा है काम। तो माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं अभी हम लोग धान मंडी ऑटो स्टैंड की तरफ हम लोग पहुँच रहे और इंशाल्लाह इसी व्लॉग में मैं आप लोग को अपनी जो होटल है मम्मी पापा की मेरे होटल अमामा इन वहाँ पर मैं आप लोगों को लेके चलूँगा। तो ये धान मंडी, आप दिल्ली गेट से अगर आ रहे हैं तो ये धान मंडी ऑटो स्टैंड आपको सीधा जाके आएगा। तो इंशाल्लाह धान मंडी ऑटो स्टैंड से मैं आप लोग को बताता हूँ कि आप लोग को कैसे पहुँचना अगर आप लोग को अपनी होटल पे कभी आना हो। मैं इस ब्लॉग के नीचे मेरा भाई का नंबर मैं डाल दूँगा, डॉक्टर अब्दुल्ला। तो आप लोग को कभी भी इंशाल्लाह कुछ भी अगर इंक्वायरीज करनी हो तो आप उससे संपर्क कर सकते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से आप लोग सीधा जाएंगे तो निज़ाम गेट, यहाँ से आप लेफ्ट लेंगे। ये धान मंडी ऑटो स्टैंड है, ये जो पूरा चौक है ये इसको धान मंडी ऑटो स्टैंड बोलते हैं। और आप लोग ये जो है गायत्री ट्रैवल्स है, यहाँ से आपको लेफ्ट लेके अंदर जाना है और यहाँ से मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पे ही अपनी होटल है, होटल अमामा इन। ये जो पोल है खम्बे का ये मेहता साड़ी है, आगे ले लें। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये बोर्ड है होटल अमामा इनका और ये यहाँ से आप लोग धान मंडी से है तो इस गली के अंदर है अपनी होटल। ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वे टू होटल अमामा इन लिखा है।
और ये होटल अमाम इन। वालेकुम सलाम बादशाह, कैसा है? ये हमारे यहाँ काम करता है बादशाह, है बादशाह सेठ। चलो फिर लेके चलते हैं फैजू, जाते दरगाह शरीफ जाते हैं ना। तो वो भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, ये सुकून इन रेस्टोरेंट और सामने होटल आमिर स्वीट्स है, और यहाँ पे कोई कपड़े की दुकान है, और ये होटल सागर पैलेस सामने। तो इसके अंदर अपनी दूसरी वाली गेस्ट हाउस माशाल्लाह मुइबा गेस्ट हाउस है, वो भी मैं आप लोग को फटाफट से दिखाते हूँ और फटाफट से ज़ियारत पर लेके चलता हूँ। आइए भैंस एक सर। तो ये गली के अंदर अपना माशाल्लाह गेस्ट हाउस। तो आप लोग यहाँ पे अंदर आएंगे तो ये इस गली में से मुश्किल से 20 मीटर की दूरी पे ये माशाल्लाह मुहिबा गेस्ट हाउस, और ये अपना यहाँ पे रिसेप्शन है यहाँ पे, और यहाँ पे रूम्स है, अंडरग्राउंड है। इंशाल्लाह किसी दिन मैं आप लोग को एक स्पेशल ब्लॉग बनाऊंगा इसके लिए, होटल्स के रूम्स के बारे में इंशाल्लाह, कैसे आपको यहाँ तक पहुँचना है, कब कैसे क्या रेट्स रहेंगे फलाना ढिमका, वो पूरा एक आपको तफसील से इंशाल्लाह मैं आप लोग को बताऊंगा। अपनी दोनों होटलें, होटल अमामा इन माशाल्लाह मुहिबा गेस्ट हाउस, और ये हमारे भाई लोग हैं अपने यहाँ रुके हुए। वालेकुम सलाम। अच्छा होटल है भाई हमारे, यहीं आके ठहरना सब लोग और यहीं आना, बहुत प्यारा होटल है भाई, बहुत बढ़िया आदत के हैं, सब कुछ मिजाज बहुत बढ़िया, यही होटल बढ़िया है भाई, रेट भी बढ़िया है भाईजान के, और कोई बात की तकलीफ भी नहीं, अच्छी सुविधा है भाईजान की यहाँ, कोई पानी वगैरह सबकी सुविधा है भाईजान की यहाँ, कोई दिक्कत बढ़िया रेट दिक्कत तो नहीं भाईजान, बहुत बढ़िया। आप तो पहले भी आए हो? जी मैं 5-6 बार आ चुका हूँ। जी 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 मैं यहीं ज्यादातर ठहरता हूँ। जी जी मैं यहीं रुकता हूँ, आपके यहाँ माशाल्लाह बहुत अच्छी सुविधा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो बस ये मैंने बोला थोड़ा सा फटाफट से, अभी दरगाह की मैं ज़ियारत पे जा रहा था। और हज़रत चलो भाई ध्यान रखो, ख्वाजा बाबा आप लोग को खुश रखे, आबाद रखे, और अपने हिफ्ज और अमान में रखे हमेशा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं दरबार ही जा रहा हूँ, आ जाओ। तो ले चलते अभी हम लोग, और अभी ज़ियारत पे मैं आप लोग को लेके चलता हूँ। आइए अभी मैं आप लोग को दरबारे गरीब नवाज में लेके जाता हूँ, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भीड़ जो है काफ़ी कम हो चुकी है कल आज सुबह के कंपैरिजन में, मतलब यहाँ तक आप आराम से चल पा रहे हो, नहीं तो सुबह में तो एक इंच जगह नहीं थी चलने के लिए भी, इतना पैक हो चुका था। ये आप लोग देख सकते हैं दरगाह बाजार का माहौल आज का कैसा माहौल है माशाल्लाह। और अभी इस वक्त मैं YouTube पे भी लाइव हूँ, ये दरगाह दरबार गरीब नवाज में मैं आप लोग को चलता हूँ, और मैं आप लोग को अभी ज़्यारत भी करवा देता हूँ इंशाल्लाह। और जैसे मैंने आप लोग को बताया मेरा जो मकसद है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को अजमेर दरगाह शरीफ की ज़्यारत पर लेके जाऊँ। और अभी आप लोग देख सकते हैं रात के अभी बज चुके हैं 10, और अभी हम लोग दरगाह शरीफ में, और इंशाल्लाह इसी यही व्लॉग को मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा 2-3 घंटे के अंदर इंशाल्लाह मैं आप लोग तक सब तक मैं पहुँचा दूँ। और ये बुलंद दरवाज़ा जो है आप लोग देख सकते हैं, माफ़ करना भाई, अभी हम लोग इधर आ चुके हैं बुलंद दरवाजे के नीचे, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितनी लंबी कतार लगी है देगो के बाहर, छोटी देगे ये लाइन लग चुकी है अंदर जाने के लिए। और एक दिन के अंदर काफी भीड़ जो है कम हो चुकी है, और ये साल जो है थोड़ा एक मैसेज जो है वायरल हुआ था व्हाट्सएप के ऊपर, आप लोग इस वक्त पे ट्रैवल ना करें, तो वो जो उस मैसेज का ये असर हुआ कि यहाँ पे जो पब्लिक है इस साल थोड़ी सी कम हुई, वो उस टेरर की वजह से, खौफ की वजह से कि ट्रैवल नहीं कर पाएंगे इस वक्त पे। 22 तारीख को मना कर दिया था कि आप लोग ट्रैवल ना करें, अपने घरों पर रहें, तो इसलिए यहाँ पर जो है भीड़ थोड़ी कम थी ये साल, जो हर साल के मुकाबले जितनी जो भीड़ होती है वो काफ़ी कम थी ये टाइम।
और ये विक्टोरियाज हॉज है, ये क्वीन विक्टोरिया जो है 1911 में 1911 में उनकी जब मन्नत पूरी हुई तब उन्होंने ये हॉज यहाँ पे पेश किया था, उन्होंने यहाँ पे बनवाया था। और कलकत्ता में विक्टोरियाज म्यूज़ियम है, वो यही है, वही सेम विक्टोरिया है, क्वीन विक्टोरिया जिन्होंने ये बनाया। जितने भी लोगों ने मुझे दुआओं के लिए इल्तिमास किया है कि दुआएं करें दरबार गरीब नवाज में, मैं इंशाल्लाह आप लोग के लिए, सबके लिए इंशाल्लाह दुआएं करूँगा। काफ़ी कॉल्स आए, मैसेजेस आए मेरे पास, और इंशाल्लाह वो जितने भी लोगों ने जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, इंशाल्लाह उन लोग के लिए, सबके लिए मैं दुआएं खैर करूँगा। इंशाल्लाह इन जनरल सबके लिए मैं इंशाल्लाह दुआ करूँगा, आलम इंसानियत के लिए भी इंशाल्लाह दुआ की जाएगी। और ये जो वो दर है मेरे प्यारे भाई और बहनों, जहाँ पे दिल तोड़े नहीं जाते, यहाँ पे लोग आते हैं मन्नतें मुरादें लेके, और माशाल्लाह जितनी भी मन्नतें मुरादें अल्लाह से मांगते हैं सारी की सारी कबूल व मकबूल होती है। और ये जन्नती दरवाज़ा, ये जन्नती दरवाज़ा आज 2:30 बजे जो है मामूल हो चुका, बंद हो चुका है। और ये जन्नती दरवाज़े को 6 दिनों के लिए खोला गया था, 29 तारीख से लेके 6 शरीफ तक। तो ये लोग आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, माशाल्लाह यहाँ पे सब लोग इबादत में हैं, सब दुआएं मन्नतें मुरादें देख सकते हैं आप लोग माशाल्लाह, सब अपने हाथ फिलाए खड़े हैं और सब कुछ ना कुछ यहाँ से फैज पे पा के लेके जाना चाहते हैं इस दर से। और भाई थोड़ा कव्वाली हो रही है, कव्वाली में भी आप लोग को लेके जाते हैं अभी इंशाल्लाह। आप लोगों में से बहुत लोग हैं जो मुझे कमेंट्स में मुझे पहले भी लिख चुके हैं कि कव्वाली के वीडियोस आप डालें, जो दरबार में कव्वालियाँ होती है पसंद करते हैं लोग काफ़ी। और इंशाल्लाह मैं अभी अंदर जाऊंगा, आप लोग को भी अंदर लेके जाऊंगा इंशाल्लाह। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह क्राउड जो है, जो मजमा है यहाँ पे पब्लिक की, यहाँ पे सुबह शाम दिन रात यहाँ पे माशाल्लाह आशिक हुजूर गरीब नवाज यहाँ पे आते हैं, आ रहे थे, आते हैं और आते ही रहेंगे इंशाल्लाह, ता उम्र आते रहेंगे इंशाल्लाह। ये तैयार हुआ जाए चिश्त में, ये जमीन पे एक बहिष्ट है, ये तैयार हुआ जाए चिश्त में, यहाँ आते जाते हैं औलिया, यहाँ आते जाते हैं औलिया, यहाँ रहमतों का नुज़ूल है, यहाँ आते जाते हैं औलिया, यहाँ आते जाते हैं औलिया। बेशक बेशक गरीब नवाज, रहमतों का नुज़ूल है, ये मदीना है, ये नजब भी है, ये मकाम आले रसूल है, ये बड़े वली का हयात का, यहाँ सर झुकाते हैं आप लोग देख सकते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, महफिल यहाँ पे माशाल्लाह सुबह से ही चल रही है माशाल्लाह यहाँ पे। We'll be right back.
क्या नाम भाई तुम्हारा? सैयद लारे हुसैन। ये हमारे खादिम भाई है, छोटे खादिम भाई हमारे, बहुत प्यारे प्यारे भाई है हमारे, छोटे छोटे भाई है दरबार में माशाल्लाह। ये अताए रसूल हिंद अलवली सरकार का आस्थाना है, अताए रसूल अताए नबी हिंद अलवली सरकार, आले नबी औलाद अली की दरगाह है ये। हुजूर गरीब नवाज, मेरे मोइन मेरे मुश्किल कुशा गरीब नवाज, हर एक हाल में मेरे हाजत रवा गरीब नवाज, मैं दे रहा हूँ सदा पर सदा गरीब नवाज। सुभान अल्लाह गरीब नवाज। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज सातवीं जो है शब लग गई है, 7 तारीख हो चुकी है आज उर्दू की, और 19 जनवरी हो चुकी है आज। और मैं आप लोग को इंशाल्लाह आज के व्लॉग के ज़रिए इंशाल्लाह आप लोग को मैं ज़्यारत करवा रहा हूँ दरबार गरीब नवाज में। और आज जो छठी की जो दुआ थी, आप लोगों ने माशाल्लाह बहुत पसंद किया उस व्लॉग को, काफ़ी हज़ारों में वो व्लॉग पहुँच चुका है माशाल्लाह अभी ऑलरेडी। तो इंशाल्लाह ऐसे ही सपोर्ट करते रहे आप लोग मेरे चैनल को, इंशाल्लाह मैं आप लोग के लिए इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ में मैं डालता रहूँगा। और भाई कहाँ से है भाई? नैनीताल से। अच्छा नैनीताल से, क्या नाम है भाई आपका? नदीम। नदीम भाई, और बाकी सब खैरियत है? आपका क्या नाम? खादिम मोहम्मद चिश्ती चैनल का नाम है। तो वीडियोज़ में उधर डालता रहता हूँ दरबार गरीब नवाज से इंशाल्लाह। आगे से महफिलें हो रही है माशाल्लाह, हर कर पूरी दरगाह शरीफ में हर जगह पे अभी इस वक्त महफिलें हो रही है, कव्वालियाँ हो रही है। तो अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो लोग यहाँ पे होटल्स नहीं लेते और उन लोग को दरबार में ही रहना होता है। वैसे ज़्यादा जगह नहीं है सोने के लिए, पर जितनी जगह है यहाँ पे लोगों ने मुझे ऐसा लगता है काफ़ी दिनों से ऑक्यूपाई करके रखा है यहाँ पे। तो आज मौका मिला यहाँ पे आने के लिए, तो इसलिए मैंने सोचा मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा भी देता हूँ एक बार। तो ये अभी शाहजहानी मस्जिद का नज़ारा है माशाल्लाह, आप लोग देख सकते हैं कैसे पूरी शाहजहानी मस्जिद भर चुकी है, और यहाँ पे भी माशाल्लाह कोना कोना भर चुका है दरबार गरीब नवाज के अंदर, और कोई जगह नहीं बची अब। और ये जो है आलम है वो तो पूरा साल चलता ही है यहाँ पे, आप लोग हर साल हर महीने छठी पे आते तब भी ऐसा आलम रहता है, और ये उर्स के टाइम पे तो और 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है माशाल्लाह। गरीबों की नजर पड़ती है आपके दर पे, गरीबों की नजर पड़ती है हो जाते हैं, गरीबों की नजर पड़ती है आपके दर पे, गरीबों की नजर पड़ती है खत्म हो जाते हैं, जब सारे सहारे खो जाओ खत्म हो जाते हैं, जब सारे सहारे खो जाओ कस्मा पुलसी में गरीब, कस्मा पुलसी में गरीबों के सहारे खाजा, तेरी शान के सदके मेरे प्यारे ख्वाजा, मेरे प्यारे ख्वाजा, याद आते हैं तो फिर याद भी कीजे मुझको, याद आते हैं तो फिर याद भी कीजे मुझको, याद आते हैं तो फिर याद भी कीजे मुझको, कोई कब तक गमे फुरकात में गुजारे ख्वाजा, कोई कब तक गमे फुरकात में गुजारे ख्वाजा,
कसमा पुरुषी में गरीबों के सहारे पाजा तेरी इस शान के सदके मेरे प्यारे ख्वाजा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। من كنت مولا فهذا علي مولا شاہ مردا شیر ازدا قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار अली अली बेड़ा पार बेड़ा पार। Yeah.
चलो माशाल्लाह क्या रौनक ही रौनक है मेरे प्यारे भाई और बहनों दरबारे गरीब नवाज में, क्या रौनक ही रौनक है। لا اله الا الله محمد رسول الله लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लोग मस्जिद में नमाज भी अदा कर रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। और यहाँ पे आयत करीमा माशाल्लाह डेली होता है, यहाँ पे आयत करीमा दरबारे गरीब नवाज में पढ़ी जाती। और ये हुजूर गरीब नवाज की बीबी साहिबाओं की मज़ार है, यहाँ पे रोज़ा है। और यहाँ पे अभी इस वक्त हर जगह पे आप लोग को महफिल होते हुए दिखेगी, हर कोने कोने दरबार के अंदर। और मेरे प्यारे भाई और बहनों अभी रात के बज गए हैं 11:10 और माशाल्लाह जो भीड़ है वो थम ही नहीं रही है और ना कभी थमेगी यहाँ पे।
ये दरबार गरीब नवाज में अभी चादर पेश होने जा रही है। वैसे सुबह ही अभी दरगाह शरीफ सुबह ही खुलेगी, तो अभी सुबह ही पेश होगी इंशाल्लाह चादर ही। अब लोग देख सकते हैं यहाँ पे माशाल्लाह बहुत ही प्यारी चादर बनाई है, बहुत खूबसूरत चादर है। शाह मर्दा शेर यजदा कुव्वत परवरदिगार ला फतह इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। मेरे प्यारे भाई और बहनों, में उम्मीद करता हूँ ये आज 7 तारीख उर्स हुजूर गरीब नवाज 812 उर्स के दौरान मैंने आप लोग को ज़्यारत करवाई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा। अगर आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसे ही दरगाह ब्लॉग्स के साथ इंशाल्लाह मैं आप सब तक बहुत जल्द मिलूंगा। तब तक अस्सलामु अलैकुम, फी अमानिल्लाह।